चुपचाप चलो, नहीं तो यही मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। काय बच्चे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे लापता हैं और वो कहाँ हैं। आपको पता है मेरे बच्चे कहाँ? लेकिन इसके लिए पहले मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। 6 महीने में पहला सुराग मिला। एक काम करते, अपनी जमीन गिरवी रख देते। भाई साहब, बॉर्डर पार की टिकट कितनी की है? 500 भैया। तुम्हें कोई तरकीब निकाल के अपना बच्चे को वहां से भगा के ले आना है। के बच्चे नहीं ले जाने दे रहे थे। बोला कि आप ये मार के भट्टा में झोंक देवे, तुम्हारे घर परिवार कोई नहीं जान पाए। अरविंद, ए गोविंद, बच्चों, तुमने योगिन गोविंद अरविंद को देखा? अरे कहाँ चले गए वो तीनों आज? भैया भैया घर चलो ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बहुत डर लग रहा है। हाँ भैया। इतनी दूर आके तुम दोनों वापस आना चाहते हो? एकदम के डरपोक, एकदम डरपोक। तू हो गया डरपोक? अरे क्या सर, ओए अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उठो, ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। हाँ बेटा, तीनों को कहीं देखा? नहीं, सुबह से ही गायब है। क्यों चिंता करती हो विनीता, छुट्टियां हैं और लड़के हैं, कहीं चले गए होंगे इधर उधर घूमने, आ जाएंगे। आजकल के बच्चों को सिर्फ घूमने और खेलने के सिवा कुछ नहीं करना। आने दो इनके बाबा को, फिर बताऊंगी मैं। खाओ खाओ, मन भर के खाओ। ये नरेंद्र मेरा भांजा है, तो तुम तीनों भी मुझे मामा कह सकते हो। ये कह रहा था तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हैं? हाँ हाँ। मेरे पास काम है तुम नौजवान बच्चों के लिए, एक दिन में 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। 10,000? हाँ, और वो भी एक दिन में। सोचो अगर तुम्हारे माँ बाप सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। उठो मामा, वो पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चुपचाप चलो, नहीं तो यही मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मामा आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? हम घर लौट जाएंगे। यहाँ से कोई घर नहीं जा रहा, समझे तुम? बहुत पैसा कमाना था तुम्हें, अब चलो। मैं कहता हूँ उठो, चलो 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 चलो। भाग सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कहाँ। कल सुबह तक जंगल में छुप जाएंगे। भागने की सोचना भी मत, 2 मिनट में पकड़े जाओगे। मेरी आंख देखी है उन्होंने क्या हालत की है मेरी, अब चुपचाप खाना खा लो। ऐसे ऐसे में दिमाग कोई के काम ही नहीं करे कि कहाँ का करी कहाँ ना करी। एक तो बच्चा रहा नहीं, तीन ठोरे रहा, इससे और ज्यादा टेंशन भारी रहा है। जब राम जी 10 दिनों तक आप अपने बच्चों को खोज रहे थे, तो उस समय घर में क्या चल रहा था, आपकी बीवी की क्या हालत थी? अरे बीवी की हालत का, बीवी सब टेंशन में मरे लगे, पूरा परिवार गड़बड़ सड़बड़ हो गया। नेपाल बॉर्डर पे आप गए? हाँ।
तो हम कहा बच्चन के अब पता कैसे ला गए। तब एक ठो रहा फसल होटल के वहाँ फसल कहा था, तब कहा चाय पियो झूठे बैठ गवागा कि लो चाय पिया जाए। भाई साहब जी आप तो यहाँ के नहीं लगते हो। हाँ बॉर्डर पार से आया हूँ। भाई साहब एक सुन, ओ चाचा चाय लाइए जरा। अच्छा अच्छा कितना, दो कटिंग? तीन लाइए तीन। चल यार कैसा महसूस हुआ समय कि चलो मेरे बच्चे मुझे फाइनली मिल तो गए। हाँ बहुत जुहरियर हो गया कि बच्चे हमारे अब मिल गए आपको, ये तो टेंशन है ना। हम तुम्हें लेने आए बेटे, हम तुम्हें लेने आए, फिकर मत कर मेरे बच्चे। चलो जल्दी पापा, पापा बस और नहीं चला जाता पापा। थोड़ी दूर बेटा चल, चल संभाल के, संभाल के आजा, तू भी आ जा। तो सारी रात भागते रहे सागर, रात भागत 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 तब जाना कि अब फिर दिन हो गया। गाड़ी क्या होता, उठ बेटा उठ जल्दी, किसी गाड़ी क्या होता, जल्दी उठ जल्दी उठ, चल जल्दी बेटा, थोड़ा जल्दी उठ बेटा, चल 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 जल्दी चल सवाल। रोको रोको भैया, बस वो बॉर्डर पार जाएगी ना। हाँ जाएगा, चलो चलो। आपके बच्चे नहीं ले जाने दे रहे थे? हाँ नहीं ले जाने दे, तब वो जबरदस्ती किया, पकड़ा हाथ और घड़ी इसके लेके चल दिया। तो ना तो उन्होंने आपको अपने बच्चों को ले जाने दिया, उल्टा मारा आपको। हाँ जी। मैं अपने बच्चों को लिए बिना नहीं जा सकता,
मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ रोक सकते हैं। हेलो हेलो बाबा। हाँ योगी। मैं अकेला हूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम गौर से सुनना। इतवार के दिन वो कमीना बहुत सारी शराब पीता है। मैं वापस उस रात आऊंगा और तुम तीनों को लेके जाऊंगा। हमें आज रात ही बॉर्डर पार की बस पकड़नी होगी। चलो उठो बेटे उठ। रोको रोको भाई साहब, रोकना गाड़ी रोकना भाई साहब, बस बॉर्डर पार जाएगी। हाँ, जाएगा जाएगा। बच्चों चलो जल्दी आ, चलो चलो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, आग लिपटे चाहे पैरों से नाग पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो इतनी सारी मशक्कत के बाद, इतने महीनों के बाद में अपने बच्चों को लेकर आप घर पहुंचे। हाँ जी, घर पे पहुंचे। तब कैसा लगा? आपकी बीवी का क्या? घर से जब पहुंचाए तब पूरा रिश्तेदार, पूरा गांव, 10-20 गांव के पूरा मेला लग गया। इतने खुशी भाई।